Hello students, right now I am sitting at my school and today we will shoot a live session, live class of class 12th English. So let's move to the classroom. Let's meet in the classroom. अभी हम बैठे हैं क्लास 12th में. इनका थर्ड पीरियड है इंग्लिश का. इंग्लिश में आज हम लोग एक लेसन पढ़ेंगे. कोविड की वजह से बहुत कम बच्चे अभी स्कूल अटेंड कर रहे हैं. यू कैन सी दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैव मास्क ऑन देयर फेस एंड मैनी स्टूडेंट्स स्टिल हैज टू कम. अभी और कुछ बच्चे आएंगे, उसके बाद हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट लेसन का नाम क्या है आप लोगों को पता है? नहीं पता है? द लास्ट लेसन. पहला जो लेसन है आपका फ्लेमिंगो, जो आपका टेक्स्ट बुक है, उसमें जो पहला लेसन है वो है द लास्ट लेसन. ठीक है. और ये लेसन जो है वो उसको लिखा है अल्फोंसे डाउडेट. ये उसके राइटर हैं. तो ये हम लोग पूरा का पूरा लेसन नहीं पढ़ेंगे. ठीक है. इसमें जो है वो सिर्फ हम लोग जो है इसका समरी देखेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा लेसन पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा. एक दिन में, दो दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर जो मेन जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो द लास्ट लेसन जो हमारा लेसन है, फर्स्ट लेसन 12th क्लास का मेन, इसमें जो है वो दो कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, मिस्टर हैमलेट और फ्रांस. तो ये जो स्टोरी है वो उसको नरेट कर रहा है, मतलब इस स्टोरी को बता रहा है फ्रांस, जो एक उस स्कूल का विद्यार्थी. ठीक है. और ये पूरा का पूरा जो स्टोरी है वो 1870 से 1871 के बीच में एक वार हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच में, जिसको जो है वो फ्रैंको प्रशियन वार कहा जाता है. ठीक है. तो उस वार के समय की ये जो है वो कहानी है, उस युद्ध के समय की ये कहानी है, जिसमें फ्रांस जो है वो अपना दो जिला, दो डिस्ट्रिक्ट जो है वो जर्मनी को हार गया था. और वो दो जो दो डिस्ट्रिक्ट थे उनका नाम है एल्सास एंड लॉरेन. ठीक है. आप लोग उसको नोट डाउन करते रहिए, जो जो मेन पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करते रहिए. एल्सास एंड लॉरेन नाम का जो दो जिला है उसको हार गए. अब जर्मनी के हाथों, मतलब फ्रांस का हाथ, तो अब वहाँ पर जो है वो जर्मनी के सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया था कि अब इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो है वो फ्रांस लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि वहाँ पर जो है वो जर्मन पढ़ाया जाएगा. ठीक है. इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में. तो ये उसी के ऊपर बेस्ड ये शॉर्ट स्टोरी है. कैरेक्टर है फ्रांस. वो अब उस दिन स्कूल जाने के लिए निकलता है और उस दिन उनको उनको जो है उनके जो क्लास टीचर हैं मिस्टर हैमल, वो उनको एक होमवर्क दिए रहते हैं, फ्रांस को एक होमवर्क दिए रहते हैं कि आपको जो है वो पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ करके आना है, जो कि
फ्रांस, क्योंकि उसका कभी मन नहीं करता था स्कूल जाने का। उसको ऐसा लगता था कि आज भी मैं छुट्टी मार दूँ ऐसे करके, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सोचता है कि नहीं चलो अब स्कूल जाना ही है ऐसे करके। ठीक, तो वो फिर स्कूल के लिए भले लेट हो गया था उसको स्कूल जाने में, लेकिन वह जो है वो स्कूल के लिए निकलता है और बहुत अच्छा दिन रहता है, सनी डे रहता है, मतलब सूर्य का प्रकाश अच्छा रहता है, तब भी जो है वो स्कूल जाता है। बीच रास्ते में जो है वो एक बुलेटिन बोर्ड रहता है, एक मतलब सूचना पटल रहता है, जैसे आपके स्कूल में एक सूचना पटल होता है ना, जिसमें आपको जितनी भी जानकारियां होती हैं स्कूल से संबंधित, तो वो सारी जानकारियां जो है वो लिखी होती हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक सूचना पटल होता है जहाँ पर उनको वार से संबंधित, युद्ध से संबंधित, जो फ्रांस और जर्मन के बीच में जो युद्ध से संबंधित जितने भी खबरें आती थी वो उस न्यूज़ बुलेटिन के द्वारा आता था, उस सूचना पटल के द्वारा आता था। और ज़्यादातर उसमें जो सूचनाएं जो होती थी वो किस प्रकार की होती थी, बैड न्यूज़ हुआ करती थी। ठीक है, तो जब वो उस दिन जो है वो फ्रांस जब स्कूल पहुंचता है तो वहाँ पर बिल्कुल स्कूल में शांति रहती है, जैसे कि कोई रविवार को हम लोग जानते हैं कि स्कूल बंद होता है ना, और स्कूल में अभी कोई विद्यार्थी नहीं है, आप लोगों के जैसे शांत रहेगा ही स्कूल जो है। ठीक है, तो बिल्कुल शांत रहता है, अनयूजुअल कामनेस यहाँ पर जो है वो कहा गया है, अनयूजुअल कामनेस। ठीक है, तो वो बिल्कुल काम रहता है स्कूल, बिल्कुल शांत रहता है, तो इसको थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि आज इतनी शांति क्यों। तब भी जो है वो अपने स्कूल में, और पहले वो क्या करता था कि एकदम हसल बसल रहता था, खूब भीड़ भाड़ रहती थी, सब लोग बच्चे इधर उधर घूमते रहते थे, तो वो आसानी से लेट भी होता था, तब भी जो है वो आसानी से अपने स्कूल में क्लास में पहुँच जाता था। लेकिन अब वो जाता है अपने क्लास टीचर से परमिशन लेता है ना, और उसके क्लास टीचर पहली बार उसको लेट आने पर नहीं डांटते, मिस्टर हैमल जो है वो उसको डांटते नहीं हैं, और बल्कि वो उनको अंदर बुलाते हैं, और वहाँ पर सभी बच्चे जो है बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। और उसी बीच में वो ये देखता है कि गांव वाले भी जो है वो बच्चों के पीछे बैठे हुए हैं, तो उसको समझ में नहीं आता है कि ये गांव वाले आज स्कूल में क्या कर रहे हैं ऐसे करके, है ना। तो उसके बाद जो है वो मिस्टर हैमल बताते हैं उनको कि युद्ध हुआ है जिसमें फ्रांस सरकार जो है वो दो जिले अल्सास और लॉरेन, ये दो जिले जो है वो हार चुके हैं ऐसे करके, तो इस कारण से अब आज से आपके स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ऑल ऑफ ए सडन इसको जो है वो ऐसा रियलाइज होता है कि अरे बहुत बड़ा, अब तो कभी हमको जो है वो फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, तो इसको थोड़ा सा झटका जैसे लगता है, खुशी नहीं होती है इसको कि चलो मुझे जो है फ्रेंच नहीं पढ़ना पड़ेगा ऐसे करके। और उसके बाद अचानक से जो है वो इसको अपने लैंग्वेज के प्रति थोड़ा सा प्रेम उत्पन्न हो जाता है, जब उसको पता चलता है कि आज जो है वो हमारा लास्ट लेसन है और आज के बाद जो है वो हमको ये फ्रेंच भाषा जो है वो नहीं पढ़ाई जाएगी ऐसे करके। ठीक है, और उसके बाद जो है लेकिन ये सोचता है कि युद्ध में हम अपने जिलों को तो हार गए, हमको तो कह दिया गया कि अब आप फ्रेंच जो है वो नहीं पढ़ेंगे, जर्मन पढ़ेंगे, लेकिन युद्ध में हारने के बावजूद जो है वो क्या हम पक्षियों को, पेड़ पौधों को, उनको किसी चीज़ के लिए मजबूर कर सकते हैं, नहीं कर सकते।
तो वहां पर उनको जो है वो दिखाई देता है पीजन। पीजन आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं? कबूतर, है ना। तो कबूतरों को क्या हम लोग बोल सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं उनके ऊपर? जानवरों को फोर्स कर सकते हैं क्या कि आप जो है यही करोगे, वही करोगे जो सरकार चाहे? उनको तो जो है हम फोर्स नहीं कर सकते, है ना। तो जो है वो सोचता है कि क्या कबूतरों को भी ऐसा कर, ठीक है। तो ये अचानक से उसके मन में जो है वो फ्रेंच भाषा के लिए एक लव जो है वो, एक प्यार जो है वो उमड़ने लगता है। अब उसके बाद मिस्टर हेमल जो है वो फिर फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है और हर एक जो कंट्रीमैन है, सभी जो देशवासी है, उसको अपनी मातृभाषा से प्रेम जरूर करना चाहिए और वही जो है वो एक प्रकार से हमारे लिए एक राष्ट्रभक्ति हो सकती है, ऐसा करके, है ना। तो उसके बाद फिर पार्टिसिपेट, अब इनको याद रहता है मिस्टर हेमल को कि मेरे को जो है वो फ्रांस को क्या पूछना है। फ्रांस कैरेक्टर का नाम है ना, बच्चे का नाम है, और फ्रांस जो है वो देश का नाम है, ठीक है। फ्रेंच, फ्रेंच एफ आर ए एन जेड, ये कैरेक्टर का नाम है जो उस स्कूल का विद्यार्थी का, ठीक है। तो अब जो है वो उसको पार्टिसिपल से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं मिस्टर हेमल, लेकिन क्योंकि फ्रांस तो जो है वो तैयारी करके आए नहीं रहता, तो वो जो है वो कोई उत्तर नहीं दे पाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है अब वो खड़े होते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में बताते हैं, और जब वो बताते बताते बोलते हैं कि कल से आपके जर्मन टीचर आएंगे, वही आपको जो है वो पढ़ाएंगे, ऐसे करके, मतलब एक प्रकार से उनका विदाई समारोह होता है, समारोह रहता है मिस्टर हेमल का, इसलिए वो बिल्कुल नए कोट पहन के आते हैं और सामान्यतः वक्त कपड़े जो है वो तब पहन के आते थे जब उनको कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में जाना होता था, ठीक है। तो इस प्रकार से अब उसके बाद वो खड़े होते हैं, बोर्ड पे कुछ लिखने की कोशिश करते हैं मिस्टर हेमल जो है वो, लेकिन कुछ भी नहीं लिख पाते हैं। और उसके बाद फिर फाइनली 12 बजे का बेल स्ट्रक होता है, पूरे शहर में जो 12 बजे का जो घंटी है वो बजता है कि 12 बज चुके हैं, मीन्स मिस्टर हेमल हैव टू लीव द क्लास, ठीक है। उसके बाद जो है मिस्टर हेमल एक ही शब्द लिख पाते हैं वहाँ पर, विवे ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है। लॉन्ग लिव फ्रांस मतलब कि फ्रांस जो है वो हमेशा है, इसकी उम्र जो है वो बहुत लंबी हो। तो जैसे हम लोग बर्थडे में किसी को विश करते हैं ना, आपकी लंबी उम्र की हम कामना करते हैं उस प्रकार से, तो ये उस प्रकार से जो है, और फिर कहते हैं यू कैन लीव नाउ, नाउ योर क्लासेस ओवर। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा का पूरा लेसन जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है।